हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और आज हम लेके आए टेकाटो का एक और फ्रेश एपिसोड, जिसमें आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं इस आईफोन 12 को। साथ में हमारे पास एक पावर अडप्टर एंड साथ में एक हमारे पास वायरलेस चार्जर। हम ये सब इस वीडियो में अनबॉक्स करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन दबाना ना भूले हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको आईफोन की प्राइस। आज हमारे पास जो अवेलेबल वेरिएंट है वो है 128 GB स्टोरेज वाला एंड ये हमारे पास आज जो कलर है वो ग्रीन कलर है। बेसिकली इसमें आपको और भी डिफरेंट कलर देखने के लिए मिल जाते हैं, एक ब्लू कलर, एक रेड कलर, एक व्हाइट कलर एंड एक ब्लैक कलर। एंड जो इसका प्राइस है वो 84,500 है, काफी हाई प्राइस है। एंड आप बॉक्स देख सकते हैं कि बॉक्स कितना स्लिम है। तो इसका एक और रीजन है, वो हम आपको बता देते हैं कि इसमें हमको कोई पावर अडप्टर देखने के लिए नहीं मिलता है। इसमें हमें सिर्फ फोन एंड उसका एक चार्जिंग केबल देखने के लिए मिलता है, उसके सिवा हमको इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं इस बॉक्स को। जैसे हम लिड उठाते हैं तो हमारे पास सामने ही रखा है हमारा ये ग्रीन कलर का आईफोन 12। मैंने इसे ऑलरेडी सेट कर लिया है तो मैं इसको अभी आपको दिखाता हूँ। अभी इसे साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हमको USB टू लाइटनिंग केबल देखने के लिए मिल जाता है। लेंथ इसकी नॉर्मल है, ठीक लेंथ का केबल आता है यहाँ पर। USB-C टाइप एंड लाइटनिंग केबल है ये। तो मैं इसको भी साइड में रख देता हूँ। बॉक्स आप देख सकते हैं कि ये मे भी शायद आपको अगली बार इतना भी ना मिले, थोड़ा सा और पतला हो जाएगा बॉक्स, उसमें से फोन फोन रखा हुआ आएगा। एंड यहाँ पर हमको थोड़ा सा पेपर वर्क, एप्पल स्टिकर एंड हमारा सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है। तो चलिए इस बॉक्स को साइड में रख देते हैं। आप देख सकते हैं फोन हमको यहाँ पर ग्रीन कलर में देखने के लिए मिलता है। ये बिल्कुल ही न्यू कलर है, इससे पहले ग्रीन कलर में एप्पल में कोई फोन नहीं आता था। एप्पल का हर बार कोई ना कोई नया कलर आता है। इसके साथ हमको एक ब्लू कलर भी न्यू लॉन्च करा है एप्पल ने इस बार। एंड इसमें हमको कोई फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता, फेस आईडी मिलती है। फेस आईडी काफी अच्छा वर्क करती है इसमें। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर हमको हमारा वॉल्यूम रॉकर एंड प्लस हमारा म्यूट स्विच देखने को मिल जाता है। एंड नीचे की साइड हमारा सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। एंड बॉटम में हमको यहाँ पर स्पीकर ग्रिल्स एंड हमारा माइक एंड हमारा USB-C टाइप चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है। राइट साइड पे हमको हमारा पावर लॉक अनलॉक बटन देखने को मिलता है। एंड बैक साइड पर आप देख सकते हैं हमको यहाँ पर काफी बड़े दिए गए हैं यहाँ पर कैमराज। यहाँ पर हमको 12 MP के दो कैमराज देखने को मिलते हैं, प्लस यहाँ पर ही हमारा एक माइक एंड हमारा LED फ्लैश माउंटेड है। फोन पर हमको सिरेमिक कोटिंग देखने के लिए मिलती है, चाहे हम फ्रंट में देखें चाहे हम बैक साइड देखें, हमको दोनों साइड यहाँ पर सिरेमिक कोटिंग देखने के लिए मिलती है। एंड आप देख सकते हैं साइड में फ्रेम हमको यहाँ पर एलुमिनियम देखने को मिल जाता है एंड काफी अच्छा फ्रेम दिया है। आप देख सकते हैं फोन भी इजिली यहाँ पर खड़ा हो सकता है, अगर आप इसे खड़ा करेंगे तो ये खड़ा हो जाता है। तो ये बात मेरे को इस फोन की अच्छी लगी, आपने शायद स्टार्ट में देखा होगा हमने खड़ा कर रखा था। आप स्क्रीन पर अगर देख पाए तो स्क्रीन साइज यहाँ पर हमारा 6.1 इंच हो गया है। एंड जो इसका साइज आईफोन 11 के कंपैरिजन में है वो थोड़ा सा पहले से रिड्यूस हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें आप बेजल्स देख पाए हैं, तो बेजल्स यहाँ पर बहुत कम कर दिए हैं कंपनी ने। हमको यहाँ पर बेजल्स ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, बट फिर भी थोड़े से नोटिसेबल बेजल्स हमको यहाँ पर अभी भी देखने को मिल रहे हैं। मे बी अगली बार आपको पूरा फुल स्क्रीन ही देखने को ना मिले, या फिर आपको हो सकता है बैटरी अलग से लेनी पड़े, क्योंकि ये एप्पल है, चार्जर निकाल दिया अगली बार शायद बैटरी निकाल दे। तो चलिए अनलॉक करते हैं इस फोन को और दिखाते हैं आपको इसका कैमरा। एक्चुअली मैं, ये मेरी सिस्टर का है तो फेस आईडी मेरी नहीं है। कैमरा आप देख सकते हैं कैमरा काफी अच्छा और शार्प है। यहाँ पर हमको कैमरा क्वालिटी तो काफी अच्छी मिल रही है, बट एक चीज कहूंगा कि फोटोग्राफ्स में आपको इतना कोई ज्यादा पता नहीं चलेगा। फोटोग्राफ्स आपके वैसे ही नॉर्मल आएंगे जैसे आपके आईफोन 11 में आते थे या फिर आईफोन 11 मैक्स प्रो में आते थे, लेकिन वीडियो क्वालिटी यहाँ पर काफी ज्यादा इंक्रीज करी गई है। वीडियो क्वालिटी में आपको यहाँ पर 4K सपोर्ट भी मिल जाता है विद 60 60 FPS।
पे आप वीडियोस यहाँ पर अपनी रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K में। एंड जो हमको इसमें जूम देखने के लिए मिलते हैं वीडियो में, हमको यहाँ पर 3x डिजिटल जूम एंड फोटोज में हमको यहाँ पर 5x डिजिटल जूम देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर हमको हमारा अल्ट्रा वाइड कैमरा भी देखने के लिए मिल जाता है, आप देख सकते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा भी हमारा। तो बट एक चीज मेरे को इसमें मिसिंग लगी कैमरा में, यहाँ पर हमको ऑप्टिकल जूम नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पर हमको सिर्फ डिजिटल जूम ही इस फोन में देखने के लिए मिल रहा है। इवन हम 85,000 अगर किसी डिवाइस पर खर्च कर रहे हैं उसके बाद भी हमको यहाँ पर कोई ऑप्टिकल जूम नहीं मिल रहा है। एक 2x ऑप्टिकल जूम दे सकता था एप्पल, में भी शायद वो मिस कर गए, लेकिन जो बैक कैमरा सेटअप है वो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छी क्वालिटी का सेटअप हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फ्रंट कैमरा सेटअप भी। फ्रंट में भी हमको जो कैमरा मिलता है वो 12 मेगापिक्सल का ही देखने को मिलता है, काफी अच्छी क्वालिटी का कैमरा यहाँ पर फ्रंट का भी देखने को मिल रहा है। एंड फ्रंट का जो वीडियो हम दिखा देते हैं कि आप फ्रंट में भी 4K वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से भी, एंड आपको सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले हमको यहाँ पर 6.1 इंच का सुपर रेटिना डिस्प्ले देखने को मिलता है। एंड ये फोन 5G फोन हमको यहाँ पर देख लॉन्च कराया है एप्पल ने। अदर अगर मैं सैमसंग की बात करूँ तो गैलेक्सी एंड नोट सीरीज अभी भी वहाँ पर हम एस सीरीज में भी अभी तक हमको 4G ही देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर एप्पल ने 5G लॉन्च करा है। इंडिया में अभी मे बी 5G आया नहीं है। सिंगल सिम स्लॉट देखने को मिलता है। एक ड्रॉबैक जो मेरे को इस फोन में लगा, यहाँ पर हमको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता, ऑन डिस्प्ले ही दे देते तो ज्यादा बेटर रहता, यहाँ पर बस हमको फेस आईडी मिलती है। तो मैं जैसा कि हम मैंने कहा कि आपका डिस्प्ले यहाँ पर बहुत अच्छा है, तो मैं आपको डिस्प्ले क्वालिटी दिखा देता हूँ वीडियो चला करके। एज पर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बस मैं अपने ही वीडियो चला सकता हूँ, तो मैं आपको अपने ही वीडियो चैनल का खोल करके दिखा देता हूँ, एंड उससे आपको साउंड का भी इसका थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि साउंड भी कैसा है। तो ये हमने आज रिसेंटली वीडियो डाला है। तो आप वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं फोन की, काफी बेटर है। मे बी यहाँ पर अभी फुल HD में ये वीडियो नहीं चल रहा है, तो हम इसको फुल HD सेट कर देते हैं। तो आप साउंड क्वालिटी भी देख सकते हैं कि साउंड काफी अच्छी है इस फोन की। तो जैसे कि एप्पल ने दिखाया था एड में कि ब्लास्ट हो रहा था जब वो साउंड का दिखा रहे थे, बट इतना साउंड नहीं है, फिर भी बेटर साउंड हमको यहाँ पर देखने को मिलता है आईफोन 11 के कंपैरिजन में। डिस्प्ले का क्वालिटी मेरे को काफी पसंद आया है, किमिन से यहाँ पर धूप में भी इतना अच्छा क्लियर हमको यहाँ पर विजन देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमको बॉक्स में चार्जर अडप्टर देखने को नहीं मिलता है, एंड आप यहाँ पर अपने जो 11 के साथ ही आप चार्जर आता था उससे कर नहीं सकते हैं, तो आपको नया लेना पड़ता है। तो मैं इसको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ, एंड जो इसकी प्राइसिंग है वो है हमारी 2,000 रुपीज़। इसमें भी हमको यहाँ पर बेसिक पेपर वर्क देखने के लिए मिल जाता है, एंड साथ में हमको यहाँ पर हमारा चार्जर स्लॉट देख चार्जर हमारा यहाँ पर देखने को मिलता है व्हाइट कलर में, एंड आप देख सकते हैं पावर चार्जर है, 20 वॉट की चार्जिंग के साथ में आता है, काफी अच्छे से तेजी से चार्ज कर देगा। बैटरी जो है हमारी फोन की 4500 mAh की है, तो बैटरी बैकअप तो फोन का अच्छा रहने वाला है। साथ में हमने एक और ऑर्डर करके मंगा रखा है आपका मैग्नेटिक वायरलेस चार्जर, एज पर ये फोन मैग्नेटिक बैक के साथ में आता है, तो हमने एक मैग्नेटिक चार्जर मंगाया है। इसकी प्राइस हमको यहाँ पर 4,500 की पड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि इसका केबल भी काफी अच्छी लेंथ का हमको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं, वॉलेट टाइप में भी इसमें आता है, अलग अलग डिजाइन इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर चिपक जाता है, आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक है, तो ये यहाँ पर इजिली आप चार्ज कर सकते हैं इससे भी। तो यहाँ पर हमको अदर अदर वायरलेस चार्जिंग स्लॉट या चार्जर या फिर अदर चार्जर स्टफ एक्सटर्नली परचेज करना पड़ता है। अब जब चार्जर नहीं आया तो यहाँ पर हमको स्क्रीन गार्ड भी देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि मैंने अदर वीडियोस देखे हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पे काफी ज्यादा स्क्रैचेज आ जाते हैं। तो आप बिना स्क्रीन गार्ड के इस फोन को यूज ना करें, चाहे इसमें सिरेमिक कोटिंग ही क्यों ना हो, बट इतनी ज्यादा प्रोटेक्टिव नहीं है। चाहे ये फोन गिरे मे भी शायद वहां पर टूटने से बचा ले स्क्रीन को, बट स्क्रैचेस से प्रोटेक्टिव नहीं लगी मेरे को यहाँ पर सेरेमिक कोटिंग। तो चलिए एक कंपैरिजन हम करते हैं इसका। मेरे पास यहाँ पर S20 Plus है मेरा अपना, तो इसको हम कंपेयर करते हैं S20 Plus से कि S20 Plus में और इसके फोन के कैमरे में, दोनों में कैमरे में क्या डिफरेंसेस है। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों फोन का कैमरा खोले हैं, ओपन है, तो आप नोटिसेबल चेंज मेरे को जो फील हो रहा है कि यहाँ पर जो है पोर्ट्रेट फोटो ले रहा है ये ऑटोमेटिकली, यहाँ पर अभी सैमसंग में नहीं ले रहा है, सैमसंग में हमको स्पेशली जाना पड़ेगा।
एंड सैमसंग में जो है थोड़ा सा नेचुरल है, यहाँ पर थोड़ा येलोइश दिख रहा है मेरे को, एप्पल में थोड़ा सा जो एप्पल का कैमरा थोड़ा येलोइश कर रहा है, बट जो सैमसंग है वो नेचुरल कलर्स ले रहा है। थोड़ा सा कैमरा वहाँ पर मेरे को फोटोग्राफ्स में बेटर लग रहा है, बट जो वीडियोज़ हैं हम वीडियोज़ में कंपेयर करते हैं, वीडियो क्वालिटी में भी यहाँ पर सेम एक वही येलोइश वाले इशू है। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि वीडियो क्वालिटी में तो एप्पल का ही फोन यहाँ पर बेटर दिख रहा है मेरे को। जैसे शार्पनेस आप देख पाए तो शार्पनेस बहुत ज्यादा अच्छे से एप्पल का फोन ले रहा है, तो शार्पनेस इस काफी अच्छे से ले रहा है, तो काफी अच्छा बेटर कैमरा यहाँ पर हमको सैमसंग में नहीं देखने को मिल रहा है, बट एप्पल का कैमरा काफी बेटर यहाँ पर मिल रहा है वीडियोज के अकॉर्डिंग। तो ये तो था iPhone 12 का अनबॉक्सिंग। अगर आपको इस फोन के रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे भी कमेंट करके हमको बता सकते हैं। एज पर मैंने आपको जैसे वीडियो में दिखाया था कि ये खड़ा हो जाता है, तो काफी अच्छा बैलेंस यहाँ पर हमको फोन में देखने को मिल रहा है। एंड प्राइसिंग के अकॉर्डिंग मेरे को ये उतना पसंद नहीं आया, एज पर इसका प्राइस काफी ज्यादा हाई है, और कैमरे में भी हमको सिर्फ डिजिटल जूम्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर ऑप्टिकल जूम्स नहीं देखने को मिल रहा है। एंड डिजिटल जूम भी बस हमको यहाँ पर 5x तक ही है, वहीं हमको यहाँ पर सैमसंग S20 Plus में 30x तक के डिजिटल जूम देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर ऑप्टिकल जूम भी हमको देखने को मिल जाता तो और ज्यादा बेटर कैमरा हमको यहाँ पर देखने को मिलता है एप्पल का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, चलिए धन्यवाद।